सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हमारे सामने है XUV 3XO AX7L, जो XUV 3XO का टॉप एंड वेरिएंट होने वाला है, जिसका प्राइस है 15 लाख 50 हज़ार, जिसका एक शोरूम प्राइस है। सो आज हम लोग बात करने वाले इसके फीचर्स और इसमें इसके लुक डिज़ाइन और इसमें मिलने वाले ऑटोमेटिक फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली ये XUV 3XO का ऑटोमेटिक वेरिएंट होने वाला है। सो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले इसका की से। तो की आपको दो की देखने को मिलेगा, दोनों पे आपको बटन ऑफर करे जाते हैं, जिसमें आपको लॉक अनलॉक और बूट का बटन देखने को मिलता है। और बात करते हैं इसका फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको एक ग्रिल देखने को मिलता है, जो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में ग्रिल ऑफर करे जाते हैं, जिसमें आपको मिड पे आपको महिंद्रा का प्यारा सा लोगो देखने को मिलता है और साइड पे आपको 6 स्लॉट का ग्रिल देखने को मिलता है। नीचे आपको वेंटिलेशन के लिए स्किड प्लेट ऑफर करे गए हैं और साथ में आपको नीचे एक ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में। सो बात करते हैं इसके हेडलैम्प की, तो हेडलैम्प आपको LED सेटअप के साथ में प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऑफर करे जाते हैं। नीचे आपको एक फॉग लैम्प ऑफर करे जाते हैं, साथ में आपको यहाँ पे सेंसर भी ऑफर करे जाते हैं, जो आगे दो दो सेंसर आपको देखने को मिलेंगे दोनों कोने पे। और बात करें इसके लुक की, तो लुक और डिज़ाइन भाई इसका औसम है भाई। और ये बेसिकली टॉप एंड मॉडल होने वाला है, जिसमें आपको ऑटोमेटिक TGDI का इंजन लगा हुआ है, साथ में आपको 15 इंच के एलॉय ऑफर कर जाते हैं, जो वो भी डायमंड कट वाले भाई। और इसके टायर प्रोफाइल की बात करो तो 15 55 R17 इंच का टायर प्रोफाइल आपको देखने को मिलता है। बात करें इसके साइड लुक की, तो साइड में आपको भाई पहले महिंद्रा की गाड़ियों में ये जो बेजल्स है ये आपको बाहर से लगवाने पड़ते थे, बट आपको यहाँ पे आप 3XO पे लगे हुए मिल रहे हैं। और बात करें आपको डोर वाइजर भी ऑफर करे जाते हैं, अगर ऊपर देखें तो ऊपर आपको सनरूफ भी ऑफर करे जाते हैं, और साथ में आपको रूफ रेल्स भी देखने को मिलते हैं। तो पूरे गाड़ी में आपको क्रोम के वेजल्स ऑफर करे जाते हैं। अगर बात करें इसके बैक लुक की, तो बैक में आपको एक बॉक्सी सा लुक देखने को मिलता है, जो काफ़ी प्यारा सा लुक ऑफर करता है। और नीचे बात करो तो आपको एक बम्पर भी साथ में ऑफर करा जाता है, दो आपको सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और बात करें इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको वाइपर और साथ में आपको बड़ा सा LED टेल लैम्प देखने को मिलता है, और डिफॉगर भी साथ में आपको ऑफर करा जाता है। तो इसके पीछे वाले लाइट के, तो काफ़ी बढ़िया बेहतरीन लुक के साथ ऑफर करा जाता है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर भी ऑफर करा जाता है, साथ में आपको दो सेंसर देखने को मिलता है, दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों कॉर्नर पर आपको सेंसर देखने को मिलता है। ये बेसिकली AX7L वेरियंट होने वाला है। सो इसका बूट ओपनर आपको यहाँ पे पहले ही की पे ही मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से बटन दबाना है और साथ में आपको यहाँ पे नीचे आपको एक छोटा सा बटन देखने को मिलेगा, इसको उठाते ही आपको इसका बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। बूट स्पेस आपको काफ़ी बड़ा सा देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ में आपको यहाँ पे एक हेडलैम्प भी ऑफर करा जाता है, और देखो जो हाइड्रोलिक स्टार्ट के साथ में आपको इसके बूट का ओपनर देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी बड़ा सा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है बूट स्पेस। तो इसको करते हैं बंद और जाते हैं इसके इंटीरियर पे। और अब बात करते हैं हम लोग इसके इंटीरियर के, तो इंटीरियर में हम लोग को देखने के लिए क्या क्या मिलता है। सो सबसे पहले करते हैं गाड़ी को ओपन। सो डोर ओपन करते हैं, सबसे पहले नज़र पड़ता है हम लोग को इसके डोर के विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पे आपको एक राइट साइड का विंडो आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, साथ में आपको पियानो फिनिश के साथ में आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, साथ में आपको ORBM के कंट्रोल्स भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। और बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट की, तो अंदर आते ही भाई सबसे प्यारा सलूक आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आके बैठने से सबसे पहले आपका नज़र आता है इसके सेंटर कंसोल पे, भाई एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन आपको देखने को मिल रहा होगा, इसको आप ओपन करके भी दिखाएं और ऑन करके भी दिखाएंगे। सो बात करते हैं इसके हैंडल पे, तो लेफ्ट साइड पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, राइट साइड पे आपको MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, साथ में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल होने वाला है। सो डोर पे बात करो तो डोर पे आपको दो बटन होल्डर देखने को मिल जाते हैं, साथ में आपको एक छोटा सा स्पेस मिल जाता है जिस पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पे लेदर टच के साथ लेदर फिनिश ऑफर करा गया है, भाई बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें आप जिससे आपका गाड़ी जल्दी गर्म नहीं होगा, आपको और भी ऑफर करा जाते हैं। ऊपर आपको एक सनग्लास होल्डर भी नहीं है भाई। सो गाड़ी को करते हैं पहले स्टार्ट। सो आपको ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल होने वाला है, तो आपको यहाँ पे बूस्ट स्टार्ट के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सो बात करते हैं इसके मिड में, तो मिड में आपको एक
इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है जो काफ़ी बढ़िया सा इंटरेस्ट है। और नीचे आपको छोटा सा एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसमें आप छोटे मोटे सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे आपको दो दो ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, साथ में आपको ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है साथ में। और बात करें इसके इंफोटेनमेंट की तो काफ़ी ढेर बड़ा सा स्क्रीन देखने को मिल जाता है। मे बी मेरे को पता नहीं है कितना इंच का स्क्रीन है, बट 10 to 12 इंच से कम का स्क्रीन नहीं लग रहा है। सो आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देते हैं। क्लस्टर सो लेफ्ट साइड पर आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, साथ में लेफ्ट साइड पर आपको फ्यूल के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और राइट साइड पर आपको आरपीएम मीटर देखने को मिल जाता है। और इसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर करे जाते हैं, पार्किंग का ब्रेक वगैरह ऑफर करा जाता है। इसका एसी का थ्रो काफ़ी बढ़िया है भाई, तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं। सो इसका इंफोटेनमेंट काफ़ी बड़ा सा इंफोटेनमेंट देखने को मिल जाता है, और साथ में भाई इसका टच रिस्पॉन्सिव काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको देखने के लिए मिलता है फ़ोन के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, नेविगेशन देखने को मिलता है, एप्लीकेशन देखने को मिलता है, और आपको इसके बटन्स के कंट्रोल इंफोटेनमेंट के कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको बड़ा सा एसी वेंट ऑफर करा जाता है और जिसका लुक काफ़ी ऑसम लग रहा है। नीचे बात करो तो नीचे आपको मिड पे आपको हजार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको डिफोगर के ऑप्शन मिल जाते हैं, ड्राइव मोड चेंज करने के लिए ऑफर मिल जाते हैं, ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी डुअल जोन के साथ में देखने को मिल जाता है, और ढेर सारे मोड के ऑफर मिल जाते हैं आपको। सो बात करते हैं इसका सनरूफ की, तो सनरूफ आपको काफ़ी बड़ा सा सनरूफ देखने को मिल जाता है। सनरूफ आपको काफी बड़ा सा देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का भी ऑफर करा जाता है। कुछ ऐसा है XUV 300 का इंटीरियर। सो आपको यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है जो काफी बड़ा सा स्पेस ऑफर करता है। भाई महिंद्रा का सबसे बड़ा ग्लव बॉक्स मेरे को यही लग रहा है। यहाँ पे आपको छोटा सा स्पेस देखने को मिल जाता है। अब इसके बात करते हैं पीछे वाले रो की, तो आपको पीछे जाते हैं और सबसे पहले आपको पीछे वाला रो दिखाते हैं। सो अब बात करते हैं इसके पीछे वाले रो की, तो गेट खोलते ही आपको सबसे पहला नजर जाएगा इसके पियानो फिनिश वाले इसके बटन्स पर, और अंदर एंटर करते ही भाई आपको एक बड़ा सा कम्फर्ट लेवल वाला एक स्पेस देखने को मिल जाता है। इसमें तीन बंदे आराम से कम्फर्ट के साथ बैठ सकते हैं। पीछे आपको एक एसी वेंट देखने को मिल जाता है, नीचे आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाते हैं। और स्पेस का बात करें तो यहाँ पे आपको एक बोतल होल्डर मिल जाता है आपको हैंड, और ऊपर बात करो तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको लाइट के बटन्स देखने को मिल जाते हैं। और बात करें इसके स्पेस की तो भाई काफ़ी बढ़िया स्पेस है। बीच में भी आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है भाई, और बीच में देखो तो बीच में आपको हैंडरेस्ट भी देखने को मिल जाता है जिसमें आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, अच्छा खासा कप होल्डर वगैरह मिल जाता है। स्पेस का बात करो तो आप देख सकते हो मेरा हाइट 5.6 इंच है, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं आराम से बैठ चुका हूँ। तो ये था महिंद्रा XUV 300 का टॉप एंड वेरिएंट का रिव्यू। सो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सो तब तक के लिए बाय।